हेलो गाइस, दिस इज सोनी सिंह। आज की क्लास में हम लोग फिर से एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, क्योंकि एक्टिव पैसिव भी हम लोग पढ़ रहे थे। वो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, जो स्पेशल रूल्स हम लोग देख रहे थे, उसमें कुछ रूल्स हुए थे और कुछ जो बच गए थे, आज उनको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद में आज के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। जितने रूल्स हमने पढ़े हैं एक्टिव पैसिव के, उनके सारे क्वेश्चन जो रूल पे बेस्ड होंगे उनका हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं ये, ध्यान से पढ़िएगा इनको। देखिए रूल नंबर वन में देखते हैं कि एक्ट टू का रूल मतलब एक्ट टू में किस तरीके से होता है, फिर उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए अगर आपको एक्ट टू में इस तरीके से सेंटेंस मिलता है, इट प्लस वर्ब फिर नाउन, उसके बाद इन्फिनेटिव टू और वी वन, मतलब टू के बाद वी वन आता ही है, और फिर ऑब्जेक्ट, उसको जब हम पैसिव वाइज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे और फिर नाउन, ठीक है। नाउन मतलब जो भी अरे होगा उसमें, उसके बाद फॉर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टू बी, फिर मेन वर्ब। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, जब इसको बनाएंगे तभी समझ में आएगा। देखिए क्या बताया गया है, इट उसके बाद में वर्ब, इट हो गया, फिर वर्ब, उसके बाद नाउन जो कि टाइम है, फिर इन्फिनेटिव टू, टू दे रखा है, फिर क्या बताया गया है, वी वन जो कि इसमें क्लोज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फिर क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट दी शॉप। इसको जब हम पैसिव वाइज में करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले इट लिखेंगे, लिख दिया हमने, वर्ब इसमें जो भी है वो उसको उस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी इसमें नाउन है उसको उसी तरीके से लिख देंगे, इट इज टाइम, ठीक है। फिर बात आती है, अब यहां तक तो हो गया, उसके बाद आती है बात फॉर, फॉर लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द शॉप, ठीक है, फॉर द शॉप, उसके बाद में टू बी, टू बी लिखेंगे, फिर मेन वर्ब इसमें लिखेंगे जो कि इसमें क्या है, क्लोज, वी वन में था, इसको जब हम यहां ले जाएंगे टू बी थर्ड फॉर्म में हो जाएगा क्लोज्ड, क्लियर। मतलब इस ये जो एक्टिव वॉइस इस फार्मूला बेस्ड पे जो भी सेंटेंस होगा उसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या करेंगे, उसको पैसिव वाइज में बनाएंगे तो इस तरीके से रख देंगे, इट इज टाइम, इतना सेंटेंस इसका तो उसी तरीके से होगा। उसके बाद में फॉर लगा के हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद टू बी लगा करके वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में बना देंगे, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जैसे इट इज टाइम टू डू अवर वर्क, ठीक है, तो इट इज टाइम को हम उसी तरीके से लिख देंगे, मतलब इट और वर्ब जो भी होगा, नाउन जो भी होगा उसको उसी तरीके से लिखेंगे, उसके बाद में फिर लिखेंगे हम फॉर, उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, अवर वर्क, इट इज टाइम फॉर अवर वर्क, ठीक है, टू बी, डू का थर्ड फॉर्म, डन, क्लियर। मतलब इट इज से जब इस तरीके से सेंटेंस आपको जब भी मिले उसको पैसिव वाइज में इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट रूल पे, नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, इम्परेटिव सेंटेंस में जब ऑर्डर या कमांड का भाव हो तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, तो देखो किससे बनाएंगे, लेट, ठीक है, फिर मेन ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर मेन वर्ब जो भी है उसको थर्ड फॉर्म में करेंगे, फिर अदर वर्ड्स जो भी होगा सेंटेंस में लिखेंगे। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर को इसमें क्या, कमांड की बात हो रहा है ना, इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले लेट लिखेंगे, ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द डोर, लेट द डोर, ठीक है, उसके बाद क्या है, लेट हो गया, मेन ऑब्जेक्ट हो गया आपका, फिर लिखेंगे बी, ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, मेन वर्ब जो कि क्या है इसमें, ओपन, इसको हम किस में बना देंगे, थर्ड फॉर्म में बना देंगे, डोर बी ओपेंड, बाकी अदर वर्ड्स तो है ही नहीं, यही पे हम फुल स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोंट प्लक द ऑरेंज, ठीक है, इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, लेट द ऑरेंज, इसमें ऑब्जेक्ट है, लेट द ऑरेंज, ठीक है, हो गया। उसके बाद में यहां पे डोंट प्लक दे रखा है, यहां पे हमको क्या लगाना था, बी लगा के फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म करना था, तो डोंट लगा है, तो लेट द ऑरेंज नॉट बी कर देंगे, डोंट का क्या अर्थ कर देंगे, नॉट बी कर देंगे, और फिर प्लक का थर्ड फॉर्म प्लक्ड कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, लेट लगा के हमने ऑब्जेक्ट लगाया, लेट द ऑरेंज, फिर डोंट दे रखा था इसी वजह से हमने नॉट लगाया, फिर बी लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, टर्न हर आउट, इसको कैसे चेंज करेंगे, तो लेट
ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्या है, हर है, ठीक है। तो इसको हम हर ही लिख देंगे, लेट के बाद जो भी होगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होता है, लेट हर, ठीक है। फिर ये लेट हर बी टर्नड आउट, ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट रूल, इंपरेटिव सेंटेंस में, अगर इंपरेटिव सेंटेंस में एडवाइस की बात हो, ठीक है, जैसे किसी को आप सलाह दे रहे हो, उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो उसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे उस सेंटेंस में, फिर उसको शुड बी लगाएंगे, फिर मेन वर्ब करेंगे, जो कि मेन वर्ब किस फॉर्म में जाएगी, तो थर्ड फॉर्म में, ऑब्जेक्ट में। ओ पैसिव वॉइस में क्या होता है, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होती है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ये क्या है, आपको सजेस्ट तो ही किया जा रहा है, मतलब आप गरीब की सहायता करें, ये एक आप कमांड तो किसी को कर नहीं रहे हो, ऑर्डर तो दे नहीं रहे हो, ना ही रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये एडवाइस की बात ही तो हो रही है, मतलब हेल्प द पुअर एडवाइस कर रहे हो। तो इसको जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, हेल्प द पुअर को पहले क्या करोगे, पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द पुअर, ठीक है, द पुअर ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे शुड बी, क्या लिखेंगे, शुड बी, फिर उसमें मेन वर्ब इसमें हेल्प है, जो कि किस फॉर्म में चली जाएगी, थर्ड फॉर्म में चली जाएगी, थर्ड फॉर्म में, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। मतलब इतना ध्यान रखिए, जब भी एडवाइस की बात हो वहां पे हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद शुड बी लगाना है, फिर आगे का सेंटेंस मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म में करके जो भी अदर वर्ड्स होंगे वो कर देंगे। जैसे लव योर कंट्री, आपसे कहा जाए अपने देश से प्रेम करो, एडवाइस ही तो है, सजेस्ट ही तो है, ठीक है। तो लव योर कंट्री, इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, योर कंट्री, योर कंट्री, ठीक। उसके बाद शुड बी, शुड बी, अब सब्जेक्ट वर्ब क्या है इसमें, लव, जो कि क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में, योर कंट्री शुड बी लव्ड। रूल पे आते हैं, नेक्स्ट रूल भी इंपरेटिव का ही है। इंपरेटिव सेंटेंस में जब रिक्वेस्ट की बात हो, जैसे आपको वर्ड लिखा मिल जाए, प्लीज, काइंडली, रिक्वेस्ट, इस तरीके से जब आपको मतलब आपको सेंटेंस में इस तरीके से रिक्वेस्ट का भाव मिले, प्लीज शब्द हो, काइंडली शब्द हो, या ये वर्ड आपको सेंटेंस में मिलते हैं, तो उस सेंटेंस को आप जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे, चेंज करोगे, तो कैसे करोगे, जैसे कहा जाए प्लीज गिव मी अ बुक, तो इसमें रिक्वेस्ट की बात ही तो है, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा है ना, तो इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको हम यू आर रिक्वेस्टेड में कर देते हैं, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद जो भी सेंटेंस मतलब सेंटेंस में जो अदर वर्ड्स बचेंगे उनको हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखने के बाद में इसमें जो ये वर्ड होते हैं प्लीज काइंडली, इनको स्किप करेंगे, बाकी का जो सेंटेंस होगा उसको आगे वैसे ही लिख देंगे। जैसे बनाते हैं, फिर देखिए, प्लीज गिव मी अ बुक, तो प्लीज की जगह क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। अब ये वर्ड हमको हटा देना है यहां से, प्लीज की जगह हमने यू आर रिक्वेस्टेड टू कर दिया, बाकी क्या बचा, गिव मी अ बुक, तो उसको वैसे ही लिख देंगे, गिव मी अ बुक, ठीक है। जैसे टेक योर सीट प्लीज, ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट, यहां से हमने ये वर्ड हटा दिया, ठीक है। तो इसको जो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो इसमें से जो प्लीज वर्ड और काइंडली वर्ड होते हैं इनको हटा देते हैं, बाकी का सेंटेंस हम वैसे लिख देते हैं, ठीक है। ऑर्डर की जब बात आए तो ऑर्डर में आप कर सकते हो, ऑर्डर में एक चीज और कर सकते हो, क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लेट वाला बात कहा गया था कि लेट इस तरीके से, ऑर्डर अगर आपको ऑर्डर की तरीके से बात लग रहा है तो आप यू आर ऑर्डर्ड भी कर सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड टू आगे का सेंटेंस वैसे बना सकते हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट रूल आते हैं, रूल नंबर 5 पे, ठीक है। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, जो सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो, ठीक है, और लेट के बाद ऑब्जेक्ट कैसा हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, कैसा ऑब्जेक्ट हो, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट हो, उसके बाद वर्ब कैसी हो, फर्स्ट फॉर्म में हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। सेंटेंस को समझिएगा, पहले लेट हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसा हो, इनडायरेक्ट हो, उसके बाद वर्ब होगी,
जो वर्ब है यहां पे, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले लेट को लेट ही लिखा रहने देंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिख देंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लियर। उसके बाद में फिर लिखेंगे हम बी, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में जाएगी, फिर बाई, और फिर जो भी यहां इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे। सेंटेंस बनाते हैं फिर देखते हैं, जैसे लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क, इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, लेट को लेट ही लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हम स्किप करेंगे, अभी अभी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, दिस वर्क, तो लेट दिस वर्क। उसके बाद में क्या है, बी, लेट दिस वर्क, लेट हो गया, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, फिर बी, मेन वर्ब इसमें क्या है, डू, ठीक है, इसका हम क्या बनाएंगे, थर्ड फॉर्म बनाएंगे, डू का थर्ड फॉर्म डन, फिर लिखेंगे बाई, फिर यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था, मी, बाई मी, इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। आप जानते हैं प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जो प्रोनाउन होता है वो किसमें आता है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही आता है, क्लियर। जैसे लेट हर सिंग अ सॉन्ग, तो हम लेट को लेट ही लिखा रहने देंगे, फिर लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि क्या है, अ सॉन्ग, लेट अ सॉन्ग, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब क्या है इसमें, सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, ठीक है, लेट अ सॉन्ग बी संग बाई, हर का हर ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लेट अस डिस्कस द मैटर, इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, लेट को लेट ही लिखा रहने देंगे, फिर ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, दो ऑब्जेक्ट है इसमें, एक तो अस और एक तो द मैटर, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो लेट के बाद पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, लेट के बाद हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो लेट द मैटर, लेट द मैटर, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखेंगे, बी, वर्ब कैसी होगी यहां पे, थर्ड फॉर्म में, डिस्कस का थर्ड फॉर्म डिस्कस्ड, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अस को लिखने के पहले हम क्या लिखेंगे यहां पे, बाई, बाई अस। याद रखिएगा, लेट से सेंटेंस जब स्टार्ट हो और लेट के बाद ऑब्जेक्ट जो भी आए, अस को छोड़ करके बाकी जो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, आप क्या करेंगे, लेट के बाद उस ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे, पहले मेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे लेट के बाद में, उसके बाद में बी लगाएंगे, फिर वर्क की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसको वहां पर लिख देंगे। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, नेक्स्ट रूल हमारा लेट अस प्लस अदर वर्ड्स। हमने यहां नहीं बताया आपको लेट के बाद अस, अस को छोड़ करके, अस को यहां पे स्किप करके, मतलब अस हटाएंगे, बाकी जो भी अदर वर्ड्स होंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के, वही वही की बात कर रहे हैं, लेट अस की बात नहीं कर रहे हैं। लेट अस से सेंटेंस जब स्टार्ट होगा उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो लेट अस वाले सेंटेंस को बनाने के लिए पैसिव वॉइस में उसका एक अलग रूल है। जैसे उसको जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इतना कन्वर्ट, इतना चेंज होगा आपके आपके लेटेस्ट वाले सेंटेंस में, लेटेस्ट प्लस अदर वर्ड्स में, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्लस आगे जो भी होगा, जैसे लेटेस्ट सिंग, ठीक है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, ठीक है। लेट अस को हमने किस में चेंज कर लिया, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, बाकी इसमें बचा क्या, सिंग, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग, बस इसको ऐसे ही लिख देंगे। इसको लेट अस वर्क, इसको जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड क्या, वर्क, क्लियर। लेट अस वाला सेंटेंस आप याद रखने रखना कि उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इट इज सजेस्टेड सजेस्टेड दैट वी शुड, उसके बाद आगे जो भी वर्ब होगी उसको वैसे को वैसे लिख देंगे हम, ठीक। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, नेक्स्ट रूल में बात आती है जब इंट्रांसिटिव वर्ब से आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस जो है वो इंट्रांसिटिव वर्ब से स्टार्ट हो और उसमें जो सेंस हो, चाहे रिक्वेस्ट का सेंस हो, चाहे ऑर्डर का भाव हो और चाहे एडवाइस का हो, उसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम यू आर, अगर एडवाइस की बात है तो यू आर रिक्वेस्टेड, अगर ऑर्डर की बात है तो यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे सिट डाउन,
इसमें क्या क्या सेंस दे रहा है? ऑब्जेक्ट ऑर्डर कर रहा है ना, सिट डाउन, तो इसको जब हम पैसिव वाइज में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड, क्लियर? तो क्या क्या कर रहा है? ऑर्डर कर रहा है ना सिट डाउन में, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, इसको इतने में हमको चेंज करना है, इतना सिट डाउन, ये सिट डाउन सिट की बात कर रहा है, जैसे कहिए बैठ जाओ, ठीक है। तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब आप जानते हैं, पैसिव वॉइस में आपको बताया गया है कि जिसका जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से सेंटेंस जब होगा जिसमें जो इंट्रांसिटिव वर्ब है इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे और उसमें भाव आना चाहिए किसी चीज का, चाहे वो रिक्वेस्ट का भाव हो चाहे ऑर्डर का भाव हो, इस तरीके से जब हम उसको जैसे सिट डाउन सेंटेंस जो है इसमें ऑर्डर की बात कर रहा है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो यू आर ऑर्डर्ड टू करेंगे, उसके बाद आगे का सेंटेंस हम ऐसे कैसे लिख देंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, ठीक है। जैसे कम हेयर, कम हेयर क्या कर रहा है? ऑर्डर कर रहा है ना, तो इसको भी हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हेयर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, वर्क हार्ड, आपसे कोई कहे, ठीक है, आपको क्या करें, वर्क हार्ड मतलब मेहनत करो, कठिन मेहनत करो, ठीक है, अच्छे से मेहनत करो ताकि आप सफल हो किसी काम में, तो आपको क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है ना। तो यहां इसको जब बनाएंगे इस तरीके के सेंटेंस को, तो यू आर एडवाइज्ड, ठीक है, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, या फिर सजेस्टेड भी कर सकते हो, यू आर सजेस्टेड, या एडवाइस भी कर सकते हो, जो भी आप कर लो, सजेस्ट ही करेगा या एडवाइस ही करेगा, यू आर सजेस्टेड टू वर्क हार्ड, इस तरीके से सेंटेंस। बस आपको इतना याद रखना है जब भी इंट्रांसिटिव सब्जेक्ट होगा, इस तरीके से इंपरेटिव का सेंटेंस होगा, उसको जब हम चेंज करेंगे तो आपको सेंस समझ करके उसको यू आर ऑर्डर्ड या यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, या फिर यू आर सजेस्टेड टू करके आपको आगे का सेंटेंस वैसे वैसे लिख देना, ठीक है। तो आज आपका एक्टिव पैसिव सारे रूल्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है, तो बाकी सेंटेंस जो भी होगा मतलब प्रैक्टिस उसको हम अगले दिन कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक